नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस तरह के हम लोग 50 टेस्ट अभी तक ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका 51वां टेस्ट है। तो चलिए 51वां टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विधान परिषद का आकार संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। सही है। विधान परिषद के 1/12 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। गलत है। सदस्यों को चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में केवल एक कथन सही है, बाकी आपके 2 और 3 गलत हैं। क्या है? गलत है। तो याद रखना है जो आपके सदस्य होते हैं विधान परिषद के सदस्य, तो इनमें से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्यों का कुल में से कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्ययन कर रहे लोग, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्तर से कम के नहीं होने चाहिए, वो लोग करेंगे 1/12। और 1/6 सदस्यों का को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। 1/6 सदस्यों का नियुक्ति या मनोनीत राज्यपाल करते हैं। उन्हें राज्यपाल साहित्य विज्ञान कला सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, उन्हीं को चुना जाता है। सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। इस प्रक्रिया में आपकी गुप्त मतदान शामिल नहीं होते हैं। कैसा? गुप्त मतदान शामिल नहीं होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका केवल एक कथन सही है। 1/6 सदस्यों को आपका राज्यपाल चुनता है। ठीक है, उसमें गुप्त मतदान नहीं होता। क्वेश्चन है दूसरा। राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित होने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विधान परिषद की अवहेलना नहीं कर सकती है। गलत है। राज्यों में 2 सदनीय विधायिका के मामलों में गतिरोध के समाधान हेतु संविधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकता है। ये भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके दोनों कथन गलत हैं। संविधान में किसी विधेयक पर असहमति होने के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इसलिए किसी साधारण विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति आपकी विधानसभा के पास होती है। ठीक। तो इसमें आपका डी था, ना तो 1 सही था और ना ही 2। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं? अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ये नहीं की स्थगन प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। 1, 3, 4 ये आपके केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। ठीक है। और जो आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव है, विशेषाधिकार प्रस्ताव, या किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, किसी सदस्य द्वारा इसे तब पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने गलत तथ्य या सूचना देकर सदन या सदन के एक या एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री को की निंदा करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 105 में 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के विकासन का अधिकार। ठीक है। लोकसभा में नियमावली के
अध्याय 20 में नियम संख्या 222 सॉरी, राज्यसभा नियमावली के अध्याय 16 में नियम 187 विशेष अधिकार को नियंत्रित करते हैं। याद रखना, कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से किसी सदन, किसी सदस्य या सदन या किसी इसकी समिति के विशेष अधिकार के हनन से संबंधित प्रश्न उठा सकता है विशेष अधिकार के तहत, ठीक है। और जो आपका अविश्वास प्रस्ताव होता है, इस संसदीय प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव का निहितार्थ है कि सरकार पद पर बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। और जो आपका स्थगन प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है जो किसी गंभीर और महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा के लिए सदन में लाया जाता है। इस पर चर्चा करने के लिए सदन की समस्त नियमित कार्यवाही रोक दी जाती है यानी स्थगित कर दी जाती है। निंदा प्रस्ताव की बात करें तो निंदा तीव्र असहमति तथा कठोर आलोचना की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने के कारण बताना अनिवार्य है या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, ठीक है, निंदा प्रस्ताव। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सी ऑप्शन होगा, 1, 3, 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, संसद में विपक्ष का नेता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद में विपक्ष का नेता का पद एक वैधानिक पद है, सही है, संविधान में इस पद का उल्लेख किया गया है, गलत है, इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका केवल एक कथन सही है, विपक्ष के नेता का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों का रचनात्मक आलोचना करना और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करना है। संसद में विपक्ष के नेता का वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 में इस पद को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यह सरकार के विपक्ष में संख्यात्मक रूप से सबसे बड़े दल का नेता होता है जिसे स्पीकर अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। संसदीय क्रिया के अनुसार विपक्ष के नेता को जीवी मावलंकर द्वारा निर्धारित 10% नियम के अनुसार नियुक्त किया गया है। मावलंकर नियम के अनुसार सदन की कुल सीटों में से कम 1/10 सीटों का सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को उस सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। अगर जिसकी 10% सीटें कुल सीटों में से आ जाती है वो विपक्ष का नेता बनता है। तो अभी आपकी जो करेंट लोकसभा है इसमें कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10% सीटें नहीं मिली हुई हैं और पिछली भी लोकसभा में किसी को 10% सीटें विपक्ष को नहीं मिली थी। भारत के संविधान में विपक्ष का नेता पद का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, और संसद में विपक्ष के नेता का वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 के अनुसार उसे कैबिनेट मंत्री के समान वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में केवल आपका बी ऑप्शन सही था। बात करते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी सामान्य कानून को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करना आवश्यक है, सही है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास अधिक शक्तियां होती हैं, सही है। अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत है, क्या है, गलत है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए लोकसभा के अधिकांश सदस्य ऐसा प्रस्ताव करते हैं कि जिन्हें मंत्रिपरिषद में कोई विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होता है और यह केवल आपका लोकसभा में पेश किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें आपका 1 और 2 सही था। क्वेश्चन है 6वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के कार्य है, न्यायिक कार्य, वित्तीय कार्य, प्रतिनिधित्व कार्य, सांविधिक कार्य, चारों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 6वें में आपके चारों सही है, क्या होगा इसमें, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 7, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। सही है। प्रत्येक राज्य से सदस्य का चुनाव संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा की निर्धारित है होता है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 2 और 3 सही है, 1 इसमें गलत है। क्या है? 1 इसमें गलत है। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है और इसे संसद पर छोड़ दिया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने प्रावधान किया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 7वें में, आपके 2 और 3 सही था। क्वेश्चन है हमारा अगला 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के समान भागों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। सही है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद संसद को एक परिसीमन अधिनियम बनाने की शक्ति देता है। ये भी आपका सही है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में सीटों के आवंटन को वर्ष 2026 तक जनगणना 2011 के आधार पर स्थिर कर दिया गया है। ये आपका गलत है। तो इसमें केवल आपका 1 और 2 कथन सही है, तीसरा गलत है। क्या है? गलत है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लोकसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन तथा प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए स्थिर कर दिया गया था। बाद में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए सीटों के निर्धारण को अगले 25 वर्षों यानी कि 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जनसांख्यिकी लाभांश अधिक लोगों के उत्पादक होने और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने की क्षमता को दर्शाता है। जनसांख्यिकीय लाभांश के दोहन के लिए मजबूत सामाजिक बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण होता है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन, क्षमता की कमी। पद का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है? तो ये किया जाता है गरीबी के अनुमान में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सी है। बात करते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन, निम्नलिखित योगों पर विचार करना है। ये आपके लक्ष्य हैं, ये उनके उद्देश्य हैं। सतत विकास लक्ष्य 1, शून्य निर्धनता सही है। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य 4, शून्य भुखमरी गलत है। सतत विकास लक्ष्य 5, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गलत है। सतत विकास लक्ष्य 6, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता सही है। 1 और 3, 1 और 4 इसमें सही है, 2 और 3 गलत है। आपको फिर से बता देता हूँ, ये 17 जो भी आपकी सतत विकास लक्ष्य हैं इनको आपको कंठस्थ याद कर लेना है, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद करना है। क्या है आपके 17 सतत विकास लक्ष्य? और याद रखिए, आपकी सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को अपनाया, जिसमें आपके 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। ठीक है, इसमें आपके पहला है शून्य निर्धनता, सुनिए, पहला है आपका
लक्ष्य पहला शून्य निर्धनता, दूसरा शून्य भुखमरी, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, चौथा आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठवा स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवा वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, आठवा उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि, नौवा उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, दसवा है असमानता में कमी, ग्यारह साधारणीय शहर और समुदाय, बारह है आपका संवहनीय उपयोग उपभोग और उत्पादन, तेरह है आपका जलवायु कार्रवाई, चौदह है आपका जलीय जीवों की सुरक्षा, पंद्रह है थलीय जीवों की सुरक्षा, सोलह है आपका शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, सत्रह है आपका लक्ष्य प्राप्त हेतु साझेदारी। ठीक है, यह है आपके 17 सतत विकास लक्ष्य। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका सी ऑप्शन सही था, 1 और 4। बात करते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैधानिक शहर का तात्पर्य ऐसे स्थान से जहां कार्यशील पुरुष आबादी का कम से कम 75% गैर कृषि क्षेत्र कार्यों में संलग्न हो। गलत है। जनगणना शहरों का वैधानिक शहरों में परिवर्तन उन्हें 14वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सहायता के लिए पात्र बनाता है। दूसरा कथन आपका सही है 12 का, 12 में एक आपका कथन गलत है, दूसरा सही है। क्या है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना दो प्रकार के शहरों को परिभाषित करती है, वैधानिक शहर और जनगणना शहर। वैधानिक शहर को नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड आदि से युक्त स्थानों के रूप में परिभाषित किया गया है। जनगणना शहर एक ऐसा शहर है जिसे वैधानिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है, लेकिन एक शहर के रूप में प्रशासित किया जाता है और इसकी आबादी निम्नलिखित शहरों शहरी विशेषताओं को प्राप्त कर चुकी हो। जनसंख्या 5,000 से अधिक, कार्यशील पुरुष आबादी को का कम से कम 75% भाग गैर कृषि क्षेत्र कार्यों में संलग्न हो। ठीक है, तो इसमें आपका केवल 2 कथन सही था, बी ऑप्शन सही था। बात करते हैं 13वें क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फॉर्मेलिन का उपयोग ताजा या शीतल मछली कि सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सही है। फॉर्मेलिन प्रकृति में गैर कैंसरकारी है। गलत है। फॉर्मल्डिहाइड कई जानवरों और पौधों की प्रजातियों में उनके सामान्य उपापचय के उत्पाद के रूप में पाया जाता है। ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा कथन गलत है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्था फॉर्मेल्डिहाइड को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका 1 और 3 कथन सही है। याद रखिए, आपकी जो भी इस तरह की PDF होती हैं वो टेलीग्राम पर डली रहती हैं। ठीक, वहाँ से देखते रहिए। क्वेश्चन है हमारा अगला 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रांसवसा निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन के स्तर को कम करती है और उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन के स्तर को बढ़ाती है। गलत है। ट्रांसवसा का उपयोग प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के स्वाद, बनावट और सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये आपका सही है। फसाई FSSAI खाद्य पदार्थों को में ट्रांस वसा अम्ल की 2% मात्रा की अनुमति देता है। ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका केवल दूसरा कथन सही है, बाकी 1 और 3 कथन इसमें गलत है। ट्रांसवसा निम्न घनत्व लेपोप्रोटीन
ट्राइग्लिसराइड्स और इंसुलिन के स्तर को बढ़ाता है। लाभकारी उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन के स्तर को कम करता है। समग्र रूप से ट्रांस वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वर्ष 2015 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेलों में ट्रांस वसा का स्तर 10% से घटाकर 5% कर दिया। इसने यह भी कहा है कि ट्रांस वसा के स्तर को का लेबलिंग द्वारा प्रकटीकरण अनिवार्य है ताकि इसका कम मात्रा में ग्रहण हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में केवल आपका बी ऑप्शन यानी कि केवल दो कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 15। भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह केवल सैन्य उपयोग के लिए एक आपातकालिक तेल भंडारण व्यवस्था है। गलत है। इनका प्रबंधन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया जाता है। सही है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सामरिक पेट्रोलियम भंडारण वाला देश है। ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका केवल दूसरा कथन सही है, बाकी 1-3 गलत है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने विशाखापट्टनम, बेंगलोर और केरल में पदूर तीन स्थानों पर 5 मिलियन मेट्रिक टन कच्चे तेल के सामरिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित किए। एक सामरिक भंडार तेल कंपनियों के पास खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के विद्यमान भंडारों के अतिरिक्त होंगे और आपूर्ति बाधाओं के प्रत्युत्तर में एक ढाल के रूप में कार्य करेंगे। इसका उपयोग केवल सैन्य प्रयोजन हेतु आरक्षित नहीं है, याद रखिए। ठीक है, और तीसरा कथन जो आपका, याद रखिए, 324 मिलियन बैरल के साथ जापान में तीसरा सबसे बड़ा सामरिक पेट्रोलियम भंडार है जापान आपका। ठीक है, तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही था, केवल दो। क्वेश्चन है हमारा 16। आवापसी नॉन रिफॉलमेंट के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे देश में वापस जाने हेतु बाध्य नहीं किया जाना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न, क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़े। सही है। भारत की शरणार्थी नीति आवास वापसी के सिद्धांत को मान्यता देती है। गलत है। 16 में आपका क्वेश्चन नंबर 16 में केवल एक कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। भारत के पास कोई आधिकारिक शरणार्थी नीति नहीं है अभी, इसलिए यह आवापसी के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका केवल एक कथन सही था। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन के। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। गलत है बिल्कुल। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नामित करता है। ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपके दोनों कथन गलत हैं। संविधान का अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल 169 राज्य में विधान परिषद के निर्माण और उत्पादन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3, सुन लीजिए, 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति के नाम निर्देशित नहीं करता है, बल्कि अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से सभापति एवं उपसभापति को चुनते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ना तो एक सही था ना ही दो। बात करते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन, लेखानुदान और अंतरिम बजट में क्या अंतर है। स्थायी सरकार के लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। गलत है। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियां दोनों ही सम्मिलित होते हैं। यह आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका दूसरा कथन सही है लेकिन पहला गलत है। क्या है? पहला गलत है। विनियोग अधिनियम द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। सरकार विनियोग विधेयक को हर हाल में नए वित्तीय वर्ष के आरंभ से पहले पारित करा देती है किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है। इसलिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती उस दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई लोकसभा तथा नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 19। निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को विदत्त किए गए हैं। तो इसमें संसद को राजसूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने में सक्षम बनाने हेतु एक प्रस्ताव पारित करना है। बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में 19 में आपका बी सही है। अब बात करते हैं हम लोग 20। क्वेश्चन नंबर 20, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो इसके बाद की कार्यवाही क्या होगी। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ए ऑप्शन सही है। संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। इसी तरह के हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते रहेंगे आगे। ठीक है।